सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बीन अ वाइल सिंस आई अपलोड माई लास्ट वीडियो, तो फिर से माफ़ कर देना। सो यार, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है एनिमे देखने के लिए, सो इसलिए मैं छोटे एनिमे एक्सप्लोर करता हूँ। सो दैट्स द रीज़न वाई आई स्टार्ट वॉचिंग रेंट अ गर्लफ्रेंड। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रेंट अ गर्लफ्रेंड और कानोजो ओकारिशिमासू एक रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट है काजोया, जिसकी गर्लफ्रेंड मामी चैन उसे एक दिन अचानक से डंप कर देती है। और मैं इसकी वजह से मामी चैन को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि काजोया वॉज द डम सिंप ब्रोकन यूजलेस होपलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मामी चैन उसको डंप कर देती है। इसी वजह से वो ये दुख सहन नहीं कर पाता और अपने जख्मों पर मरहम अप्लाई करने के लिए वो एक किराए की गर्लफ्रेंड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसका नाम है चिज़ुरु मिज़ुआरा। और चिज़ुरु मिज़ुआरा वॉज वेरी केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी मैच्योर। जस्ट कंपेयर काजुया विद चिज़ुआरा, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सो हाँ, ये पूरी एनिमे एक गर्लफ्रेंड रेंट करने के सर्विस पर ये बेस्ट है। चिज़ुरु मिज़ुआरा वॉज द रीजन दैट आई स्टार्ट वॉचिंग दिस एनिमे। यू नो, वो बहुत मैच्योर है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत केयरिंग है, इंटेलिजेंट है, एंड काजुया वेरी डम्प सिंप ब्रोकन। बट ये एनिमी बाकी हर एम एनिमी की तरह नहीं है। सो मैंने मिज़ुआरा के बारे में तो बात कर ही ली है, सो चलो बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। काजोया, आपको पता ही है वो कैसा है। और रुका चैन विद शॉर्ट ब्लैक हेयर, नो वन केयर्स अबाउट हर। एंड मोची विद पिंक हेयर, उसको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता और वो ज्यादा बोलती नहीं है। और चिज़ुरु मिज़ुआरा के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज मामी चैन, जो कि काजुया की गर्लफ्रेंड रहती है, जो कि उसे डंप कर देती है। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि चिज़ुरु के अलावा इसमें कोई दूसरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो वो है मामी चैन। यू नो, जैसा मैंने पिछली बार बोला था कि मैं मामी चैन को भी इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, अगर मैं मामी चैन की जगह होता तो मैं भी डंप कर ही देता काजुया को। और हमेशा काजुया की मदद करने के लिए चिज़ुरु वहां पे आ जाती है और हमेशा की तरह चिज़ुरु उसे बचा लेती है, और फिर भी उसकी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं तरस होता है। यू नो, जब आदमी बहुत मैच्योर और बड़ा हो जाता है तो वो हर चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और कभी भी उसके सामने कुछ ऐसा हो जाए जो कि उसे गलत लगे तो वो उसका ब्लेम अपने आप पर ले लेता है। एंड सो यार, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी का तो तुम्हें पता ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।